हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द गर्ल्स स्क्वाड। मेरा नाम है प्रीति। मेरा नाम है प्रीति सिंह। तो आज हम लेकर आए हैं एल्विश यादव की थग लाइफ बिग बॉस से जुड़ी हुई। हमें तो मजा आता है भाई। और कई सारे लोगों ने कहा भी था, इसलिए तो बहती गंगा में हाथ धोया जाए। स्टार्ट। 1 2 3 बार और बोलूंगा। nice. बोल फिर, वो तेरी पर्सनालिटी है। बेवकूफ का बच्चा। nice. तीन एक बार हुआ, बेवकूफ का बच्चा, बेवकूफ का बच्चा। आप बेवकूफ का बच्चा क्या होता है? तुम होते हो। रूम में जाके कॉफी। बेवकूफ का बच्चा साड़ा। ए क्या है? बाप पे बच्चा। अच्छा तुम्हें पता लग गया बेवकूफी है वो। बोल रहे बेवकूफ का बच्चा? मैं तेरे को बोला कुछ? तू भी बोल ले, पर तू है पर। भाई तू डिओड्रेंट लगा के सोया कर। नहीं तो मतलब उसमें क्या था? क्यों लगाता आदमी डिओड्रेंट? भाई तुम यहाँ रख के मुंह सोते हो मेरे। नहीं तुम यूं रख के सोते हो तो तुम ऐसे आके सुनते हो। अभी और सुनिए। नहीं वो इतनी है कि रखने की जरूरत भी नहीं है। चलो ये भी ठीक है। भाई तुम नाक बंद करके सोया करो यार। फिर क्या करते हो आप? मैं एक्टर हूँ। कहाँ पे? टीवी पे। मतलब टीवी पे क्या चीज में? टीवी सीरियल। अच्छा यार मैंने देखा ही नहीं सीरियल। तो सीरियल अपनी तो दुकान है। किसकी? यूट्यूब। जनरल स्टोर। यूट्यूब का क्या होता है? यूट्यूब यूट्यूब पे कौन है भाई? जिस पे तुम्हारा चला था जो मुझे इंट्रोडक्शन। नहीं 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 वो तो बेवकूफ बना रहे थे ताकि पता ना लगे अंदर वाले बंदों को कि बाहर के बंदे करते क्या। नहीं भाई मैं जो बोलता हूँ मैं वही करता। भाई तो परचून की दुकान है। भाई जो भी कहो मस्त है बंदा। लड़ाई उसकी बहुत जबरदस्त हुई थी उससे जो हुई थी मजा ही आ गया। मतलब स्टार्टिंग में लगा था जैसे इसका पर्सनालिटी है ना एल्विश यादव की जैसे पर्सनालिटी की ना बहुत ही वैसा होगा। लेकिन आया बंदा तो मजा आ गया। मतलब जैसे इसे फेस टू फेस भी मिले ना उस टाइम पे भी पहले भी तब बात भी करे ना तब भी हाँ वो एक तरह से टोन उनकी वैसी होती है और वो तो लगता है कि लड़ने वाला लेकिन वो बहुत शांत बंदा है। नहीं मेरे को तो अच्छा ही लग रहा है जो भाई बाकी लोगों को तो वही लगेगा वैसे भी जो जाट और गुजर मतलब सॉरी हरियाणा साइड के तो उनकी टोन ही ऐसी होती है ऐसा लगता है लठ लेके चल रहे हैं पर ऐसा नहीं होता। हाँ प्यार से बोलते हैं मतलब उनके प्यार में भी भाई बोली उनकी लठ मार बोली मतलब जब वो स्टार्टिंग में आया तो मेरे को लग रहा था कि ऐसी लड़ाई वड़ाई होगी बहुत वैसा होगा पर जब देखा ना बंदा समझदार है यार इतना भी बुरा नहीं है। हाँ समझदार है वो बढ़िया उसकी आंखों में दिखता है। मतलब कुछ लोग होते हैं ना कि बहुत शांत है वो फुकरा भी और एल्विश भी। हाँ दोनों सिचुएशन देख के शांत रहते हैं वो। मतलब जैसे ये लोग अंदर कर लेते हैं ना वुमेन कार्ड खेलने लग जाएंगे एज कार्ड खेलने लग जाएंगे और उनकी अपनी गेम पे जाने लग जाएंगे तो वो इस सब चीजों को देख के वो शांत हो। हाँ नहीं तो बोल के दिखा दे कोई बार पता पड़े कौन चुप रहता है कोई नहीं रहता भाई मजे मजे में। पर वो जैसे बोलते हैं ना कि भाई तू बोल तू बोल छोड़ के आऊंगा सारे को मजा नहीं आता कहता पता मारूंगा साड़े और अंदर वाले सच्चे भी डर जाते होंगे उससे। और एक वो बोल तो रहा था अभी ना जाके पूजा को तो ना मेरे को ऐसे बोल रहा था कि बाहर आके मारूंगा बाहर मिल मेरे को ये वो। अरे भैया बाहर मिल उसको तो सच में लगे सच में बाहर मारेगा ही मेरे को। सही है यार सपोर्ट करो जी। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें शेयर करें कमेंट करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टाटा बाय बाय।